नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगा दिया है, आरजेडी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि जब जब आरजेडी कहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है तो वो गुनाह करते हैं, और ये गुनाह सिर्फ बिहार की जनता के प्रति ही नहीं बल्कि वो आरजेडी के संविधान के प्रति भी गुनाह करते हैं। पहले सुनिए आप कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कर रही है, जांच कर रही है, उसको लेकर बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रही है। किस मामले? सर, आपको लेकर मैंने कौन करेगा, राष्ट्रीय जनता दल करेगा क्या जाँच? चाहे उनके समय जो राजनीति की दिशा में प्रशासकीय तंत्र है, प्रशासकीय तंत्र को ही अधिकार प्राप्त है। आपको कोई सलाह देना है तो सलाह दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? वह पुलिस मुख्यालय को दीजिए, आईजी प्रोहिबिशन को दीजिए, जिनको मर्जी करे उनको दीजिए, लेकिन शराबबंदी फेल है अगर बोलिएगा तो यह गुनाह कीजिएगा। यह गुनाह केवल बिहार के आम आवाम साथ नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के प्रति की भी अवमानना है। चूँकि आपका संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्य का सेवन करे वो राजद का सदस्य नहीं बन सकता है। तो शराब क्या है? मादक द्रव्य नहीं है, मैंने शीतल पे है कि ग्रहण करते जाइए, प्रोटीन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा। अगर शराबबंदी फेल की बात जो लोग करते हैं वह बिहार में विधानमंडल में लिए गए संकल्प के विपरीत आचरण कर रहे हैं और यह गुनाह भी कर रहे हैं। लेकिन ये शराब मिल रही है सर, शराब खाली बोतलें। अरे तो भाई राष्ट्रीय, अरे तो मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता क्या मिला है नहीं मिला है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि मीडिया में जो मैंने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक राजवंशी महतो, उनके बेटा राकेश कुमार, ग्लास भरा हुआ, जो राजद के युवा विंग के जिला अध्यक्ष हैं, तारापुर उपचुनाव में भी प्रचार में गए थे। तो आपका संविधान किस बात के लिए आपको कह रहा है? इसलिए कोई चीज़ को दिखा कर करके शराबबंदी जैसे अभियान, तब तो इसका मतलब सीधा है, सीधा मतलब है कि अगर आपराधिक घटना हो जाए तो जो आपराधिक दंड संहिता है उसको हटिए, एक बेमानी है, वो फालतू है, वो उसका कोई उपयोगिता नहीं है। शराबबंदी पर को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बताइए, और अब तक तो आपने दल के नेता के खिलाफ कार्रवाई किया नहीं। तो मीडिया में ही मैंने देखा है, आपके दल के विधायक हैं, उनके बेटे हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई किया? किसको सलाह दे रहे हैं? और मूल सवाल यह है कि जब शराबबंदी फेल बोलिए तो कहिए कि जब हम सरकार में शामिल थे उस समय हमको दंडवत करने का आदत था, तो हम दंडवत करके हम शराबबंदी चाहते नहीं थे, क्योंकि सरकार में हमारा बेटा उप मुख्यमंत्री रहे, इसके लिए हमने शराबबंदी का संकल्प अभियान में भाग लिया था, वरना हमारी मर्जी नहीं थी उस समय भी कि हम शराबबंदी का विरोध करें। इसके साथ ही नीरज कुमार ने बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर के भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार इस मामले को लेकर के जांच कर रही है, जो वीसी के नाम सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, उसको लेकर के भी बिहार सरकार कार्रवाई करेगी, और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है उस संबंध में नियमन देने का अधिकार किनको है? माननीय सभापति को है। उन्होंने नियम का उल्लेख भी आसन से किया कि इसके तहत नहीं है, लेकिन ये पूरे जांच की प्रक्रिया जो है विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया ना। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष ने कोई मांग किया था, कोई स्मार पत्र ले गए थे, कोई प्रमाण पत्र के साथ दस्तावेज ले गए थे। राज्य सरकार ने खुद इन चीज़ों का संज्ञान लिया, और संज्ञान के आधार पर जो विश्वविद्यालय की नियमावली है, जो यूनिवर्सिटी एक्ट कहता है, उसके तहत जो तयशुदा प्रावधान है उन मानकों का पालन करें, और हमारी पूरा दृढ़ संकल्प शक्ति है कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का केंद्र न बने, विश्वविद्यालय को इसमें नियंत्रित करेंगे, हर स्थिति में नियंत्रित करेंगे। तो ये थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। इन्होंने आरजेडी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब जब आरजेडी के नेता कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है तो वो अपने संविधान के प्रति गुनाह करते हैं, बिहार की जनता के प्रति गुनाह करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहते हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।